सो हेलो गायस आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई केम विथ तो जैसा कि आप देख सकते हैं अटेंडेंस है यहाँ अटेंडेंस को आपको सीरियसली लेना है यू माइट बी थिंकिंग ठीक है कि रिपोर्टिंग इतना बजे है थर्ड नवंबर को और फोर्थ नवंबर ना को नाइन ओ क्लॉक सो आई मे रिपोर्ट बाय टेन ओ क्लॉक इलेवन ओ क्लॉक ट्वेल्व ओ क्लॉक इट्स नॉट लाइक दट यू आर एंड सी अटेंडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू जी पीजी एज वेल एज पी एच डी क्योंकि वैन ऑफलाइन काउंसिलिंग हैप्पेंस फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इट डज नॉट रिलीज टू थ्री फोर मेरिट लिस्ट लाइक पंजाब हरियाणा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी ओके इट विल रिलीज जस्ट वन मेरिट लिस्ट एंड इन वन मेरिट लिस्ट देर विल भी थ्री टू फोर टाइम्स नेम सो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू फोर मेरिट लिस्ट राइट इन वन मेरिट लिस्ट इट्स एल्फ चार मेरिट लिस्ट के बराबर नाम रहेगा तो अब अटेंडेंस का कितना बड़ा लफड़ा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर ड्यूरिंग अटेंडेंस टाइम इफ़ यू आर एबसेंट यू मे लूज़ योर सीट यस प्लीज़ मार्क माय वर्ड अगर आप एडमिशन के दौरान पे एबसेंट रहेंगे तो शायद आपका एडमिशन भी चला जाएगा देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है दिस लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिपोर्टिंग नाइन है अटेंडेंस नाइन में है नाइन फिफ्टीन टू वही टेन ओ तक चलेगा फिर टेन बजे से एडमिशन काउंसलिंग है तो एडमिशन काउंसलिंग कुछ नहीं होता आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे आपने जिसमें अटेंडेंस लगाया उसका हो गया चलो लेट मी गिव यू एग्जांपल अच्छा फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू प्लीज़ कमेंट बिलो कि आप लोगों में से ऐसा कभी हुआ है ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम और ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम टेंथ इलेवन ट्वेल्व वगैरह में कि आपने क्लास करी हो अटेंडेंस फुल रहा हो परंतु आपको एबसेंट दिए हो टीचर आई हैव सच काइंड ऑफ विटनेस्ड एक्चुअली मैं ऐसा मेरे साथ हुआ ग्रेजुएशन में क्या होता था जो हमारे गुरुजी थे वो स्टार्टिंग के टेन मिनट्स में अटेंडेंस लेते थे और टेन मिनट्स के बाद आप क्लास गए हैं तो इवन यू अटेंडेड द क्लास बट यू विल बी मार्ट एज एबसेंट नॉट पी दॉ यू सेड प्रेजेंट सर या यस yes, सर जो जिन्होंने बोला सिर्फ उन्हीं का अटेंडेंस होता था आप पाँच दस मिनट लेट से गए तो कहीं कहीं क्या होता है बाद में अटेंडेंस लगा दिया जाता है परंतु तो यूनिवर्सिटी ऑफ तो हैदराबाद में ऐसा रूल नहीं है ड्यूरिंग अटेंडेंस टाइम इफ़ यू आर एबसेंट दैट मीन्स कि जो आपका नेक्स्ट आदमी है जैसे रैंक वन टू फाइव जो है ये मैं लिस्ट लिया हूँ मैथमेटिकल साइंस का शायद ठीक है चलो लेटस्ट टेक एन एग्जाम्पल फॉर एनी सब्जेक्ट इट इज़ अप्लाइड फॉर एनी सब्जेक्ट जैसे रैंक वन है ठीक so, है, है फिर रैंक टू है रैंक थ्री है रैंक फोर है तो रैंक फोर तक नहीं आए रैंक फाइव का जो है फर्स्ट स्टूडेंट वहाँ आके बैठा है और उसने अटेंडेंस दिया बाकी लोग अभी लेट हैं तो जो सबसे पहले एडमिशन होगा वो रैंक फाइव का होगा सिमिलरली द मोमेंट इट विल फुल द सीट ट्वेंटी सीट्स हो गए सपोज दैट नंबर ऑफ ट्वेंटी सीट्स रैंक नंबर थर्टी uh, फाइव पे क्लोज हो गया ठीक है थर्टी फाइव हो गया अंकित सोनी तो टॉप ट्वेंटी स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड और फिर वो ये लोग कैटेगरी का भी भी रखेंगे कि जैसे मिनिमम जनरल में फाइव सिक्स सेवन एट जितना भी एट होना चाहिए फिर फोर लेंगे उससे रिजर्व कैटेगरी से टू लेंगे वन लेंगे इस तरह से तो अटेंडेंस का यह बड़ा रोल है एंड दिस इज अप्लाइड फॉर पी जी सो ऑल द बेस्ट गाइज पी का नोटिफिकेशन जो मेरिट लिस्ट है वह एट्थ को आ जाएगा और जो इंटरव्यू वाला मेरिट लिस्ट है पीजी का वो सेकेंड ऑफ नवंबर को आ जाएगा एंड ड्यूरिंग एडमिशन टाइम जो आपका लिस्ट रहेगा मेरिट लिस्ट लास्ट में आप इस पॉइंट को बहुत केयरफुली देख लेंगे कि आपका अटेंडेंस टाइम कहाँ है यहाँ पर देखिए अटेंडेंस टाइम लिखा हुआ है नियरली टेन ओ तक आपको वहाँ अटेंडेंस देना है जैसे आपका वहाँ पर नाम बोला जाएगा तो नाम बोला ज्यों ही जाएगा तो आपको वहाँ पे प्रजेंट सर बोलना है या यस सर बोलना है और अपना फेस दिखाना है कि आई एम रेडी टू टेक द एडमिशन हाँ इफ़ अगर आपका नाम बोला गया और आप वहाँ मौजूद नहीं हैं तो यू विल बी कंसिडर्ड एज एबसेंट दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद द सेम काइंड ऑफ प्रोसीजर विल बी अप्लाइड फॉर यू जी पी जी पी एच डी फॉर एवरी थिंग जैसे पी वालों भी ये सोचेंगे कि मैं तो रैंक वन लाया हूँ यार मैं तो दो बजे जाऊँगा एडमिशन करवा लूँगा या किसी एनी सर्कम्स्टांसेज हु वी डोंट नो इवन इट कुड बी अनवेडेबल सरकमस्टांसेज कि आप काफ़ी डिले हो गए एक दो बज गया जाने में तो थोड़ा लफड़ा हो जाता है जैसे रैंकर्स को प्रीफर किया जाता है सीट बचे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा परंतु थर्ड को है एडमिशन आप फोर्थ को गए हैं बाय द टाइम सीट इज़ फुल तो यू विल बी नॉट इंटरटेंड एनी मोर ओके ये बात आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि अटेंडेंस का काफ़ी बड़ा रोल है एज सिंपल एज अब मेरिट लिस्ट नहीं आएगी यूजी हो चाहे पीजी हो जो भी मेरिट लिस्ट दिया गया है इस मेरिट लिस्ट के टाइम के अनुसार आप वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे नाइन ओ क्लॉक लिखा है रिपोर्टिंग तो नाइन टेन नाइन ट्वेंटी नाइन थर्टी तक भी चलेगा बट बिफोर टेन यू मस्ट बी देयर और वहाँ पर जब अटेंडेंस लगाएंगे जैसे इन्होंने नाम बोला ठीक है चलो एक बार मैं देखता हूँ जैसे रिजर्व कैटेगरी से है रिजर्व कैटेगरी में इन्होंने नाम बोला रोहन तो रोहन वहाँ अगर एबसेंट है तो नेक्स्ट देवेश को दिया जाएगा फिर वो सुप्रिया को दिया जाएगा फिर राजा को दिया जाएगा फिर आशुतोष को दिया जाएगा सपोज दैट चार पांच सीट है रिजर्व में तो अशुतोष के बाद एवरीबॉडी इज़ प्रजेंट तो फिर एडमिशन क्लोज हो जाएंगे वहीं पर दैट सीट बट पीपल आर नॉट देयर और ये रिषभ नहीं आया सागर नहीं आया वगैरह वगैरह कोई नहीं आया तो जहाँ पर इनका सीट कंप्लीट होगा वहाँ पर दे विल क्लोज द एडमिशन दैट्स इट आई थिंक आई एम वेरी क्लियर सो दिस इज द रोल ऑफ अटेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस दे विल कॉल यू फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द सेम टाइम दे विल कॉल यू फॉर द फी पेमेंट फी पेमेंट आपको आप कार्ड से भी कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कैश कुछ भी दे सकते हैं वहीं पर इंस्टेंटली फ़ी पेमेंट करना होता है इट इज़ नॉट ए बिग डील चलान वगैरह भी बैंक में ही है अंदर विद इन कैंपस ही हैं तो आपको पहले से इसलिए फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है Bye. <laughs> तो आई थिंक आई एम वेरी फिल क्लियर और सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपके पास वह ले कर आएँ यह मत सोचें कि मेरे पास यह नहीं है मेरे पास वह नहीं है जो भी हैं ले कर आएँ और मैं कल एक वीडियो बना दूँगा कि कैंपस में किस तरह से आपको यहाँ पर रहना है क्योंकि काफ़ी चैलेंजेज होते हैं इतने इतने दूर से बच्चे आते हैं नए नए कैंपस में कैंपस काफ़ी वाइब्रेंट है कैंपस काफ़ी बड़ा है यहाँ पर बहुत मतलब हर तरफ़ से आपको यहाँ पर मिलेगा एक जागरूकता पोलिटिकल अवेयरनेस भी है बहुत सारे विंग हैं ए है एस है ए एस ए है एन एस है एस एस आई ओ है सारे विंग हैं तो आपको इन लोगों से अपना हेल्प लेना है ज़्यादा अटैचमेंट स्टार्टिंग में नहीं करना है लेटर ऑन इफ़ यू ग्रो अप इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ इंक्लिनेशन इफ़ यू थिंक दैट कि आई हैव टू वर्क फॉर दिस एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यू कैन ज्वाइन बट स्टार्टिंग का जो होगा एक दो मंथ आप काफ़ी अवेयर रहेंगे अपने आप पे ध्यान देंगे किसी भी तरह का पोलिटिकल अलाइनमेंट से दूर बचेंगे एंड डोंट थिंक कि दे आर देयर टो दे ग्रैब यू नो इट्स नॉट लाइक दैट वो लोग जबरदस्ती नहीं करते हैं दे आर वेरी डेमोक्रेटिक पर्सन दे आर देयर टू हेल्प यू इनफैक्ट जब आप आओगे यूनिवर्सिटी यू विल बी रियली अमेज टू नो कि दे आर वेरी हेल्पफुल पीपल वहाँ पर काउंटर वगैरह लगा के बैठे रहेंगे और वो आपका फॉर्म वगैरह खुद भर देंगे जो भी तकलीफ होगा वो खुद हेल्प करेंगे वॉलेंटियर्स होते हैं बेसिकली वो सो प्लीज़ डोंट वरी एंड दिस अप्लीकेबल फॉर पी जी यू जी पी एच डी फॉर एवरी वन दे आर वेरी गुड पीपल सो चलो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ अटेंडेंस मेक श्योर कि अटेंडेंस के टाइम पर आप वहाँ पर अटेंडेंस दें अगर आप अटेंडेंस देने में लेट करते हैं तो आप अपना सीट भी खो सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पक्का खोएंगे ही बट देर इज हाई चांस यू विल बी नॉट इंटरटेंड ड्यूरिंग अटेंडेंस टाइम इफ़ यू आर एबसेंट तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है एंड दिस इम्पॉर्टेंट नोटिस शुड बी पासड ऑन फॉर यू जी पी जी बोथ अभी पीजी का भी होगा पीजी के लिए भी सेम रूल आएगा उसके लिए भी सेम मेरिट लिस्ट रहेगा वही थ्री फोर टाइम्स मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और फिर अटेंडेंस होगा सेम टाइम पे उनका फोर्टीथ या फिफ्टीथ को जो होगा ऑन द डे ऑफ एट्थ वो लिखा रहेगा तो आई थिंक यह अपडेट ज़रूरी था तो गज मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में और अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लें क्योंकि टेलीग्राम पर मैं सारे लिंक्स वगैरह अपडेट करता रहता हूँ रिगार्डिंग एस सी यू रिगार्डिंग सी ई एनी काइंड ऑफ अपडेट्स तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें टू योर फ्रेंड्स कि रोल ऑफ अटेंडेंस क्या है जैसे आपका बहुत का ट्रेन है बहुत का फ्लाइट है कि यार चलो ठीक है दस बजे लिखा है तो ग्यारह बारह बजे तक पहुंचेंगे इट्स नॉट माय फ्रेंड इट्स नॉट लाइक दैट इन केस सपोज दैट यू रिज्ड बाई ट्वेल्व ओ क्लॉक और वन ओ क्लॉक बाई द टाइम योर ऑल फ्रेंड्स हैव टेकन एडमिशन एंड योर सिटी इज़ फुल वाट यू विल डू ट्री टू अंडरस्टैंड वहाँ पर आप ये नहीं कहोगे कि मेरा रैंक वन है मेरा रैंक टू है नहीं सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली प्लीज़ एंड प्लीज़ शेयर अमंग दिस फ्रेंड्स चलिए थैंक यू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नहीं भी करते हैं तो सब्सक्राइब कोई बात नहीं है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें वहाँ पर से आप में सारा अपडेट देखते रहेंगे और चलो ऑल द बेस्ट फॉर सेकेंड नवंबर पीपल एंड एट्थ नवंबर पीपल विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस अटेंडेंस सीट ठीक है अटेंडेंस काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है चलो बाय बाय